अधर में लटका संदीप लामिछाने का करियर, एशिया कप खेलने पर छा गए असमंजस के बादल। बिन संदीप पाकिस्तान रवाना हो गई टीम नेपाल। कोच मोंटी देसाई ने कहा, देश दुआ करे चैंपियन जल्द लौटेगा। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। नेपाल क्रिकेट का सपना आज साकार होने जा रहा था, लेकिन नेपाल अपने सबसे बड़े मुकाबले के लिए अपने चैंपियन के बिना रवाना हो गया। एशिया कप खेलने के लिए टीम पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई है, लेकिन टीम के साथ संदीप लामिछाने नहीं थे। संदीप के ऊपर लगे रेप के आरोपों की फाइनल सुनवाई शुरू होने की वजह से संदीप लामिछाने टीम में चयनित होने के बावजूद भी टीम के साथ पाकिस्तान नहीं जा पाए। फिलहाल नेपाल की टीम के साथ संदीप शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर कोर्ट का फैसला संदीप के हक में आता है तो संदीप रेप के आरोपों से बरी हो जाएंगे और तब संदीप टीम के साथ शामिल हो जाएंगे। संदीप लामिछाने की मौजूदगी के मायने क्या हैं, पूरी टीम भली भांति जानती है। यही वजह है कि आज बड़े मौके की रवानगी से पहले टीम के चेहरे में वो खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब संदीप के बारे में सवाल किया गया तो कोच मोंटी देसाई ने कहा, यह बेहद दुखद है क्योंकि संदीप नेपाल की टीम की ताकत है, वो चैंपियन है और हम सब दुआ कर रहे हैं कि संदीप आरोपों से बरी होकर जल्द मैदान में वापस लौटे। Well, we went to camp in South Africa and it was Sandeep and coach who joined them late, but he did go as well. And he went to the World Cup qualifiers as well. We have a unique situation. Let us understand that. We have a very unique situation. And we know that he is our champion cricketer. Right? And we all keep praying. In a happy dressing, we all keep praying that the truth prevails. And whoever is supposed to get that verdict in their favor happens so that there is a relief. Right? And Sandeep, you know, he's been a champion on the field. Let us remember that. He's been a champion on the field. So we have to give him a little bit of space with whatever is happening. I've understood that there is a date which he needs to attend. And that's why we have to allow that delay to happen. आए दिन कानूनी पचड़ों से परेशान होकर आखिरकार ना तो संदीप ने मैच की प्रैक्टिस के लिए मैदान पर ही उतरा और ना ही पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के डिनर में ही शामिल हुआ। हालातों से परेशान हो संदीप लामिछाने ने ट्विटर पर हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। संदीप लामिछाने की ये बेबसी साफ तौर पर नजर आ रही है। सरकार, अदालत और सिस्टम ने उसे कितना मजबूर कर दिया है, ये ट्वीट इसकी बानगी भी है। लेकिन पूरा देश संदीप लामिछाने के लिए दुआ कर रहा है कि संदीप अपने ऊपर लगे रेप के चार्जेस से जल्द बरी होकर एक बार फिर टीम में वापस लौटे, क्योंकि नेपाल की टीम को बखूबी मालूम है कि एशिया कप में अगर नेपाल को अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है तो संदीप लामिछाने का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि संदीप अकेला ऐसा गेंदबाज है जो किसी भी बड़ी से बड़ी टीमों की हालत पतली कर सकता है। इतना ही नहीं, संदीप लामिछाने की टीम में मौजूदगी के बाद टीम का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। शायद यही वजह है कि नेपाल टीम बेहद पसोपेश में नजर आ रही है। एक तरफ नेपाल क्रिकेट का सपना पूरा हो रहा है जब वो एशिया कप में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इस सपने में उनका सबसे बड़ा सुपरस्टार संदीप लामिछाने ही साथ नहीं है। ऐसे में अब पूरा नेपाल दुआ कर रहा है कि संदीप बेदाग होकर, बाइज्जत बरी होकर एक बार फिर टीम के साथ। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।